अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, ईओबीआई बजट, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो ईओबीआई से रिलेटेड हो, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, बजट हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो है ईओबीआई की पेंशन की एडवांस अदायगी। मतलब जुलाई में, 1 जुलाई को जो ईओबीआई की पेंशन आनी है, वो ईद से पहले, विद इन जून, जो है जून के महीने में ईद से पहले उसकी अदायगी हो जाए। लोगों के सवालात ये कि जनाब ईओबीआई की जो पेंशन है वो ईद से पहले इसकी अदायगी हो जाएगी, ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, ये आज की वीडियो में हम आप लोग से डिस्कस करें। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि जनाब ईओबीआई की पेंशन जो है वो ईद से पहले अदा हो जाएगी, मतलब एडवांस में ईओबीआई की पेंशन आ जाएगी। उसका रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। असल में ये हुआ कि जनाब एपवा और लेबर फेडरेशन ने ईओबीआई के अहदेदारान से कहा है कि जनाब ईओबीआई की अदायगी जो है, ईओबीआई की पेंशन की अदायगी जो है वो ईद से पहले कर दिया है, जिस पे जो है ईओबीआई के अहदेदारान ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, मजबूत जवाब दिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट मतलब ये कि ईओबीआई ये भी कह सकता था जनाब कि ये जो एज़ पर पॉलिसी जो है वो ईओबीआई की पेंशन जो है वो पॉसिबल नहीं, ये कह सकता था, लेकिन ईओबीआई के अहदेदारान ने ये नहीं कहा कि एज़ पर पॉलिसी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा एज़ पर पॉलिसी क्या है वो ऑलरेडी इस पर एक लॉन्ग वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, 1 से 2 वीडियो। ठीक है, शॉर्ट में जिन लोगों ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी उनको उनके साथ शेयर कर देते शॉर्ट में कि जनाब पॉलिसी क्या है। पॉलिसी ये कि जनाब अगर पेंशन जो है, मतलब अगर छुट्टी जो है, ईद की छुट्टी, बकरीद की छुट्टी, ईस्टर हो या हिंदू वगैरह के जो त्यौहार होते हैं उसकी छुट्टी महीने के आखिर के 10 दिन के दरमियान आए, महीने का आखिरी दस दिन क्या होता है जनाब, 21 तारीख से लेकर 30 तारीख, या फिर 31 का महीना तो 22 तारीख से लेकर 31 तारीख। ठीक है, 21 से 30 तारीख और 22 से 31 तारीख, इन दिनों के दौरान अगर ईद की छुट्टी हो जाती, बकरीद की छुट्टी हो जाती, या कोई ईस्टर हो या कोई ऐसा त्यौहार हो, तो जो पेंशन की अदायगी है वो छुट्टियों से 5 दिन पहले हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ईद की छुट्टी आ रही है 22 तारीख को, ठीक है, तो 22 तारीख से 5 यानी कि 17 तारीख तक जो है वो पेंशन की अदायगी हो जाए, ये पॉलिसी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है वो ईओबीआई कह सकता था, लेकिन ईओबीआई ने क्या कहा जनाब, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, जिस पे लोग ये कह रहे हैं जनाब कि जो है ईओबीआई की पेंशन जो है वो एडवांस में आ जाएगी, ईद से पहले आ जाएगी। अच्छा, ईओबीआई अहदेदारान ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट है, मतलब ये रिक्वेस्ट ही थी, चाहे वो एपवा की तरफ से हो या लेबर फेडरेशन की तरफ से हो, एक रिक्वेस्ट थी कि जनाब ये जो पेंशन है ये जो है बुज़ुर्ग लोगों की पेंशन है और पेंशन की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर ये ईद से पहले इसकी अदायगी हो जाती तो बुज़ुर्ग लोगों की जो ईद है, बुज़ुर्गों की जो ईद है वो अच्छी हो जाएगी। ये रिक्वेस्ट थी जनाब लेबर फेडरेशन की तरफ से और एपवा की तरफ से, जिस पे जो है ईओबीआई अहदेदारान ने कहा कि आपकी जो दरख्वास्त है हम हुकूमत तक या अपर मैनेजमेंट तक पहुंचा देंगे। ठीक है, ये रिस्पॉन्स दिया है जनाब ईओबीआई अहदेदारान। अच्छा, अगर ईओबीआई की अदायगी मतलब पेंशन एडवांस में आ जाता है 17 जून से पहले आता है तो बात ही ख़त्म होती है, इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि ईद से पहले जनाब ईदी मिलेगी ईओबीआई वाले पेंशनर्स वालों को, या फिर ईद से पहले बोनस आएगा, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि ईद से पहले ईओबीआई के बोनस आएगा या ईद से पहले ईओबीआई पेंशनर्स के लिए ईदी आएगी, हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब पेंशन मिलेगा, वो पेंशन ईओबीआई की पेंशनर्स को जनाब ईदी मिलेगी और बोनस मिलेगा, उनसे ही आप पूछे जनाब कि ये कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, और ईओबीआई की एडवांस अदायगी से रिलेटेड अगर मजीद कोई अपडेट आती है हमारे पास तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब, उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, ईओबीआई हो, पेंशन हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह है, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।